हमास ने अपनी अपनी पोजीशन से ज्यादा, अपनी ताकत से ज्यादा हमले जरूर किए हैं, लेकिन जितना नुकसान उसका खुद का हुआ है, उसका 110 भी नुकसान वो इसराइल का नहीं कर पाया। अब भविष्य में शायद ये बन जाए कि टर्की और ईरान उसको किसी तरह का कोई मदद पहुंचा दें, और मदद पहुंचाने जैसा अजरबैजान में टर्की ने मदद पहुंचाई थी, इस तरह की मदद पहुंचा दें। और हिजबुल्ला जो लेबनान के करीब है, बाकायदा वो लोग इकट्ठे होकर के कुछ अगर जवाब दे सकते हैं तो जवाब दे देंगे। अदरवाइज फिलहाल पिछले 2014 में जो पिटाई हुई थी फलस्तीनियों की, तब भी 2200 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए थे, जबकि यहाँ इसराइल के सिर्फ 70-80 के बीच में मारे गए थे, 2500 के करीब तब लोग मारे गए थे, और अब हम रोजाना गिनते आ रहे हैं कि आज 150 मर चुके हैं, अब 180 हो गए और अब 200 हो गए। भविष्य में इस लड़ाई का क्या रुख बैठता है ये वक्त ही बताएगा। फिलहाल बात आखिरी यही है कि फलस्तीन के साथ पूरी दुनिया में कोई नहीं खड़ा।